Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kantab Publisher. For today's lesson, you need the textbook English 1, Class 1, Chapter 3, Lecture 1. For the class task, kindly open your textbook pages 16 and 17. It's a new unit, Black Cat, Tan Cat. By the end of the lesson, the student will be able to physically respond to some common action words. हम थोड़ा सा रीकैप करेंगे वोवल्स का. मुझे उम्मीद है कि आपको वोवल्स याद होंगे, लेकिन हम एक दफा फिर रिपीट कर लेंगे. देयर आर फाइव वोवल्स, अ, ई, ई, ओ, आ, अ, ई, ई, ओ, अ. Underline the vowel sounds in the following words. इन दिए गए अल्फाज में से आपने वॉवल्स को अंडरलाइन करना है, और इसको करने के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी है. कलर वन कैट ब्लैक, कलर वन कैट टैन, कलर द मैट अंडर द कैट. इनको आपने कलर करना है. ब्लैक tan means dark brown, और मैट में आप कोई सभी कलरफुल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं. फिजिकली रिस्पॉन्ड टू सम एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. उनको फेल कहा जाता है, जैसे कि वॉक चलना, स्लीप सोना, राइड गाड़ी में सफर करना, स्विम तैरना. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. वो अल्फाज जिनसे किसी किस्म की एक्टिविटी, कोई हरकत या कोई अमल होता हुआ नजर आए, उनको वर्ब कहते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब्स. द पियोन डैश द बेल, अली डैश एन एप्पल. पियन चपड़ासी क्या करता है? बेल को बजाता है. सो द पियन rings the bell. Ali eats an apple. The cat dash a mouse. The cat chases a mouse. The student dash a book. The student reads a book. My mother dash delicious food. My mother cooks delicious food. Question number 2. Rearrange these jumbled words into meaningful sentences. In jumlon ko aage piche karke alfaz ki tarteeb badli gayi hai. Aapne unko rearrange yani unko dobara se tarteeb deni hai. Isliye hum ek sentence ko ek ek baar padke सॉल्व करेंगे. हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है. फुल स्टॉप के साथ वाला लफ्ज जो फुल स्टॉप से पहले होता है वो उसका हिस्सा होता है. तो पहले सेंटेंस में गोइंग अनोरल टू स्कूल इज, आपने सबसे पहले स्पॉट करना है कि कैपिटल लेटर कहां पे है. फिर आपने स्पॉट करना है या ढूंढना है फुल स्टॉप और उसके साथ वाला लफ्ज कहां पे है, और उसको आप सर्कल कर लें. इसका मतलब है कि ये दो अल्फाज आपके पास जुमले की तरतीब में आ गए. इन फोर लाइंस में अब हम लिखेंगे अनोरल, और जो लफ्ज हमें आखिर में मिला फुल स्टॉप के साथ उसको. अब अनोरल और स्कूल के लफ्ज के बाद जो हमारे पास ऑप्शन बचे उनको हमने इस सेंटेंस के दरमियान में लिखना है. गोइंग टू इज अनोरल, गोइंग टू स्कूल इज अनोरल, टू इज गोइंग, नो, अनोरल इज
गोइंग टू स्कूल, अनोरल स्कूल जा रही है। इसी ट्रिक को आपने ज़हन में रखना है कि अगले सेंटेंस पे हमने सबसे पहले कैपिटल लेटर को ढूंढना है, उस लव्स को सर्कल करना है और फिर वो लव्स जो फुल स्टॉप के साथ है उसको सर्कल करना है। टीचर नाइस फुल स्टॉप वेरी इज माय कैपिटल फुल स्टॉप माय। याद रखिए कि आपने फोर लाइंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो टीचर नाइस फुल स्टॉप वेरी इज माय माय टीचर इज वेरी नाइस। सी लिव अ हाउस आई इन I live in a house full stop. Sunny it a day full stop is. It day. It is a sunny day. Read I can story full stop a capital or full stop wala loves. I story or full stop I can read a story full stop. इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपने काम को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। Now we will do some more class practice जो कि हम वर्कबुक के पेजेस 14, 16 और 17 पे करेंगे। Which one is the action word in the following sentence? इस जुमले में कौन सा वर्ड एक्शन वर्ड यानी वर्ब है जिससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मारिया ईट्स एन एप्पल, मारिया सेब खाती है। क्या कर रही है वो सेब को? खा रही है। ईट्स या एप्पल, क्या एक्शन है इसमें? ईट्स। वेरी गुड। नंबर 6, आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड। एक्शन बताइए क्या हो रहा है। क्या एक्शन है ड्रिंक यानी पीना या एक्शन है पानी? एक्शन है ड्रिंक। रीडिंग एंड राइटिंग की स्किल के लिए हम इन पिक्चर्स को देखेंगे और उनके जवाबात नीचे दी गई लाइंस में लिखेंगे। यहां पे भी हमने एक्शन वर्ब को ढूंढना है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, write these sentences and write action verbs below the pictures to complete them. Pehla aapke liye solve hai, Ali eats banana. Ali kya kar raha hai? Banana ko kha raha hai. Walda yahan pe kya kar rahi hai? Mother dash food. Wo khana paka rahi hai. So mother cooks food. ये पियान क्या कर रहा है? पियान डैश द बॉल। ये बॉल नहीं है बेटा, ये बेल है, इसकी करेक्शन कर ले। पियान रिंग्स द बेल। फिशरमैन डैश फिश, ये क्या कर रहा है? फिशरमैन कैचेस फिश, वो मछली पकड़ रहा है, मछेरा। दोबारा हमारे पास वही जंबल्ड अप जुमलों की एक्टिविटी है जिसमें अल्फाज की तरतीब उलट पुलट है और हमने उसको सीधा करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो टिप्स बताए थे कि सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर ढूंढना है, उसके बाद वो वाला वर्ड ढूंढना है जिसके एंड पे फुल स्टॉप है,
फुल स्टॉप और वो वर्ड दोनों साथ साथ इकट्ठे सेंटेंस के एंड पे आते हैं। तो इन दो टिप्स को फाइंड करते हुए आपने अपनी एक्टिविटी को करना है और हम साथ साथ करते हैं। वॉश आई माई हैंड्स, टिप नंबर वन, कैपिटल लेटर आपने ढूंढना है और उसके बाद आपने फुल स्टॉप वाला वर्ड और फुल स्टॉप को ढूंढना है। तो बेहतर होगा आप अपनी कॉपी वर्कबुक के ऊपर इसको सर्कल कर लें, कैपिटल लेटर को सर्कल करें और उसके बाद फिर फुल स्टॉप वाले वर्ड को सर्कल करें। आई और हैंड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। आई माई वॉश हैंड्स, नो आई wash my hands, I wash my hands. Number two, eat apples, full stop, we. Capital wala love circle, full stop wala love circle. Wonderful. We apples, full stop ke saath aa gaya. Jo lafz bacha eat, usko hum beech mein likh lete hain. तो हमारा सेंटेंस और उसकी तरतीब ठीक हो गई। वी ईट एप्पल्स, हम सेब खाते हैं। नंबर थ्री, रिसाइट्स द होली कुरान सुफियान। अब इस सेंटेंस में तीन कैपिटल लेटर्स हैं और एक फुल स्टॉप है, तो हम किस वर्ड को पहले लिखेंगे? हम सुफियान के बारे में लिखेंगे क्योंकि जुमला सुफियान के बारे में है, इसलिए हम सुफियान वाले वर्ड को सर्कल पहले करेंगे और फुल स्टॉप वाले वर्ड को उसके बाद। सुफियान और फिर होली कुरान फुल स्टॉप। सुफियान रिसाइट्स द होली कुरान। बेटा इस सेंटेंस में फुल स्टॉप की मिस्टेक है, ये फुल स्टॉप पार्क के साथ होना चाहिए, इसलिए यहां से आप इसको हटा दीजिए। आप सर्कल करेंगे पार्क को और शाहिदा को, ये टाइपिंग मिस्टेक है और ये इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फिक्स कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक पे। शाहिदा पार्क फुल स्टॉप, शाहिदा वॉक्स इन द पार्क, शाहिदा पार्क में वॉक करती है। सेंटेंस नंबर फाइव, द फूड फुल स्टॉप मदर कुक्स। मदर फूड फुल स्टॉप, मदर कुक्स द फूड। वीडियो को पॉज करके काम कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। नाउ यू हैव टू डू सम होम टास्क प्रैक्टिस एट होम। इस लेसन के बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करेंगे, आज कर ले या कल कर ले, आपकी मर्जी, मगर जितना काम आपने अभी तक किया है ये उसी की प्रैक्टिस है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। आप जितनी बार चाहें इस वीडियो को रिवर्स करके बार बार देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप ये समर पैक के पेजेस बिना किसी और की मदद के खुद से कर सकें। तो लेसन है आपका यूनिट नंबर थ्री, ब्लैक कैट और टैन कैट का। जो हमने SLO डिस्कस किया है वो है एक्शन वर्ड्स का, यानी वर्ब्स का। पेज नंबर 17 के ऊपर वो SLO मेंशन किया हुआ है। आपने करना है काम पेज नंबर 18 पे। देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ड्स फॉर देम। इन तस्वीरों को देखते हुए आपने वो एक्शन सोचना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और गिवन लाइंस की स्पेसेस पे आपने इस जगह पे उनको लिखना है। फोर लाइंस का ख्याल रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर वन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट। आपने ये क्वेश्चंस खुद से रीड करने की कोशिश करने हैं और उसके बाद उनके आंसर को गिवन लाइंस के ऊपर लिखना है।
क्वेश्चन 3, 4, 5 कंटिन्यू है और उसके बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है. अब प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट लेसन. यूनिट नंबर 3 को पढ़ के आइएगा, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी पोएम. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.